आप सभी को मेरा जय जिनेंद्र। मैं जयंती जैन सूरत से। वतन की उड़ान जो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था उसमें एक संगोष्ठी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था जिसमें मैंने भाग लिया था और उसमें कुल मिला के 11 विजेता प्रतियोगी का नाम चुने गए थे जिसमें मेरा भी नाम चुना गया था। और मुझे सौरभ भैया का फ़ोन आया कि आपको आचार्य श्री के दर्शन करने के लिए डोंगरगढ़ में चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र पर आना है और 2 अक्टूबर को दोपहर के 1 बजे आपका पुरस्कार वितरण समारोह आयोजन किया जाएगा। तो मैंने सोच लिया कि मैंने मेरे जीवन में कभी आचार्य श्री के दर्शन नहीं किए, ये सौभाग्य मुझे मिला है तो मैं अवश्य वहाँ पे जाऊँगी। और मैंने जब दीदी को बोला तो दीदी ने भी बोला ठीक है अपन दोनों वहाँ पे अवश्य चलेंगे। 1 अक्टूबर को दोपहर के 2 बजे हम वहाँ पे पहुँच गए लेकिन हमारी कुछ व्यवस्था नहीं हो पाई और हमें पता नहीं था कि कहाँ पे क्या व्यवस्था है। लेकिन सभी लोग ऐसा बोले कि आप प्रसाद सागर जी महाराज से जाके मिल लीजिए, वो आपको बता देंगे। लेकिन हमें ऐसा लगा कि वो हमें पहचानेंगे या नहीं, ऐसे जाके हम कैसे उनको बोल दें। लेकिन जब हम उनके पास में गए और उन्होंने बोला कि आपकी सारी व्यवस्था हो चुकी है जैसा उनका व्यवहार था, तो हमें ऐसा लगा ही नहीं कि हम उनसे पहली बार मिल रहे हैं। उनका बहुत ही अच्छा स्वभाव है और मैं उनकी जितनी तारीफ करूं उतने कम है, मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे। बहुत ही अच्छा उनका स्वभाव है और उन्होंने बोला आपकी सारी व्यवस्था हो चुकी है, आप जाइए वहाँ पे। जब हम गए हमारी सारी व्यवस्था हो चुकी थी और लगभग 4-4:30 बजे हमें आचार्य श्री के दर्शन प्राप्त हो गए गुरु भक्ति में। और 2 अक्टूबर 2023 मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन बन गया। वो कैसे वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम सुबह सबसे पहले हमें 5:30 बजे आचार्य श्री के गुरु भक्ति में हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त हो गया। उसके बाद में हम लोग चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र जहाँ पे मंदिर बनाया जा रहा है वहाँ हम दर्शन के लिए गए। वह मंदिर बहुत ही सुंदर बन रहा है और बहुत ही अच्छा वहाँ का माहौल है। हम लोग वहाँ पर गए तीर्थ वहाँ पर मंदिर में बहुत ही अच्छा है, मंदिर बहुत अच्छा बहुत सुंदर बन रहा है। तो हमने दर्शन वहाँ पे किए और उसके बाद में हम प्रतिभा स्थली में भी दर्शन करने के लिए गए और वहाँ पे हमें एक अलग चीज़ जानने को मिली कि वहाँ के बच्चे CBSE बोर्ड की पढ़ाई पढ़ते हैं। लगभग सभी लोगों को ऐसा लगता है कि प्रतिभा स्थली में धर्म की पढ़ाई पढ़ाई जाती है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ धर्म भी करवाया जाता है और साथ में शिक्षा भी दी जाती है। जैसे नॉर्मल स्कूलों में स्केटिंग एक्टिविटी होती है एक्टिविटी होती है, वैसे वहाँ पे बच्चों को प्रवचन में लाया जाता है, फिर उनको आचार्य श्री के दर्शन आहार के लिए लेके आते हैं। बच्चों को सबसे पहले देव दर्शन कराया जाता है, उसके बाद में सभी अपने कक्षा में जाते हैं। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को बोर्डिंग स्कूल भेजते हैं, मेरा तो ऐसा मानना है कि उनको प्रतिभा स्थली में भेजना चाहिए। शिक्षा तो उनको मिलेगी लेकिन उनको संस्कार भी वहाँ पर मिलेंगे। ऐसा बोला जाता है कि संस्कार के बिना शिक्षा पतन का ही कारण होती है। यदि मुझे ये पहले पता होती कि वहाँ पे इतनी अच्छी पढ़ाई है, वहाँ पे दीदी लोग इतना अच्छा पढ़ाती है, तो मैं भी प्रतिभा स्थली में ही पढ़ती। वहाँ पे बच्चों को शिक्षा तो मिलती, उसके साथ में उनको धर्म के भी संस्कार दिए जाते हैं। और उसके बाद में हमें आचार्य श्री के आहार देखने का सौभाग्य मिला और लगभग दोपहर के 1 बजे वहाँ पे पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पे सिर्फ पुरस्कार वितरण समारोह ही है लेकिन वहाँ पे और भी प्रोग्राम था जो हथकरघा के जो महिलाएं वहाँ पे काम करती है उनके अनुभव उन्होंने बताया कि कैसे हमारे जीवन में आचार्य श्री के दर्शन प्राप्त होने के बाद में कैसे हमारे जीवन में सुख शांति आ गई। उन के अनुभव सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था मेरा कि मुझे पता नहीं था कि हथकरघा यहाँ तिहाड़ जेल जहाँ की औरतें फॉरेन से भी है और वो मांसाहारी, उन्होंने एकदम से त्याग दिया। ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद में हमें शाम को वापस से गुरु भक्ति में आशीर्वाद मिला और महाराज श्री के उसी दिन हमें 2-2 बार प्रवचन सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और 3 अक्टूबर को हमारे दोपहर के 3:30 बजे की ट्रेन थी जो हमारा सौभाग्य था कि वो सुबह के 2:30 बजे की वो ट्रेन हो गई।
और मेरा एक मेरी एक इच्छा थी कि मैं डोंगरगढ़ में जो अतिशयकारी जैन मंदिर है उसके दर्शन कर सकूं, लेकिन 3:30 बजे की ट्रेन थी तो ये पॉसिबल नहीं था, इसीलिए हमने कोई डिसाइड भी नहीं किया था। लेकिन सौभाग्य हमें बुला रहा था तो वो ट्रेन भी सुबह की 2:30 बजे की हो गई और हमारे एक रिश्तेदार वहाँ पर दर्शन के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने बोला चलो हम आपको भी लेके चलते, आप ही वहाँ पर दर्शन कर लीजिए। और हमें वहाँ पर लगभग 117 वर्ष पुरानी वहाँ पर प्रतिमा जो ज़मीन से निकली हुई है उनके दर्शन हमें प्राप्त हुए डोंगरगढ़ में अतिशयकारी जैन मंदिर, उनके दर्शन पाने का हमें सौभाग्य मिला। और उसी दिन हमें आचार्य श्री के दर्शन पाने का भी सौभाग्य मिला, आहार देखने का सौभाग्य मिला और प्रशांत सागर जी महाराज से हमने बहुत सारी बातें की और उनके साथ में बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। और मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं मुनि श्री से पहली बार मिलूँ, ऐसा लगता था कि प्रशांत सागर जी महाराज से मैं पहले भी बहुत बार मिल चुकी हूँ। हमारी यात्रा बहुत ही अच्छी रही, बहुत ही अच्छा अनुभव हमारा रहा और मैं तो चाहती हूँ कि किसी को भी ये मौका मिले तो उसे अवश्य दर्शन के लिए जाना चाहिए। और जो लोग कहते हैं कि हमें आचार्य श्री के दर्शन नहीं मिलते, उनके लिए मैं 2 लाइन डेडिकेट करना चाहूँगी। कौन कहते हैं गुरुवर आते नहीं, कौन कहती है गुरुवर आती नहीं, दिल की गहराइयों से बुलाती नहीं, दिल की गहराइयों से बुलाती नहीं। आप सभी को मेरा जय जिनेंद्र, हमारी यात्रा का अनुभव बहुत ही अच्छा रहा, उसी के साथ आप सभी को जय जिनेंद्र।